नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादुई शीशे का रीच। जादुई शीशे का रीच, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन प्रभाकर बाबू। मगन सिंह दीप नगर के राजा जगन सिंह का इकलौता बेटा था। वह जितना तलवार का धनी था उससे अधिक आन का पक्का था। राज्य की प्रजा उसकी प्रशंसा में कहती, युवराज मगन सिंह योग्य पिता का योग्य बेटा है, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। सचमुच युवराज मगन सिंह बहुत ही होनहार है। वही मगन सिंह जब एक बार आखेट करने के लिए वन में गया, अरे उस पेड़ के नीचे कौन पड़ा है, शायद बेहोश है। मगन सिंह ने अपना घोड़ा रोका और घोड़े से उतरकर उस आदमी के पास पहुंचा। इसके सिर पर बंधी पगड़ी खोलकर मुझे इस पर हवा करनी चाहिए ताकि ताजी हवा के स्पर्श से इसे होश आ सके। यह सोच जैसे ही उसने बेहोश आदमी के सिर पर बंधी पगड़ी खोली, ओह, पुरुष वेश में यह तो कोई युवती है। मगन सिंह हैरान सा खड़ा रह गया। फिर कुछ सोचकर उसने बेहोश युवती के मुंह पर हवा की। कुछ ही क्षण बाद, आह ओह, इसे होश आ रहा है। अगले ही पल युवती ने आंखें खोल दी। कौन है आप? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इस स्थान से गुजर रहा था, तुम्हें बेहोश पड़े देख कर यहाँ रुक गया। ओह, तो आपको पता चल चुका है कि मैं पुरुष नहीं स्त्री हूँ। आपकी पगड़ी ने आपका सारा रहस्य खोल दिया है। तब अपने खुले बालों को देखकर युवती सारी बात समझ गई। युवराज मगन सिंह ने उससे पूछा, आप कौन हैं और पुरुष वेश धारण करके इस वन में क्या कर रही हैं? मैं अजीतगढ़ की राजकुमारी माधवी हूँ। मैं पुरुष वेश धारण करके इस वन में अकेली आखेट करने आई थी और घोड़े पर बैठी एक हिरण का पीछा कर रही थी कि अचानक विद्युत गति से दौड़ते हुए मेरे घोड़े को किसी पत्थर से ठोकर लगी। अगले पल में उछलकर घोड़े से पृथ्वी पर आ गिरी और पृथ्वी पर गिरते ही बेहोश हो गई। आँख खुली तो आपको अपने सामने पाया। यह सुनकर, ओह, यह तो हमारे पड़ोसी राजा अजीत सिंह की पुत्री है। अजीतगढ़ के राजा से तो पिताजी महाराज की पुश्तैनी दुश्मनी है। उसी सोच में पड़ा देख कर राजकुमारी ने पूछा, क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गए? क्या आप मुझे अपना परिचय नहीं देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी सीमावर्ती राज्य दीपनगर का युवराज मगन सिंह हूँ और तुम्हारी ही तरह इस वन में आखेट करने के लिए आया हूँ। ओह, आपके पिता और हमारे पिता के बीच तो पुरानी शत्रुता चली आ रही है, कहकर माधवी सोच में डूब गई। उसे सोच में डूबा देख, राजकुमारी जी, यदि आप चाहें तो दोनों की पुश्तैनी चली आ रही शत्रुता मित्रता में बदल सकती है। वह कैसे युवराज? मुझसे विवाह करके। क्या? माधवी मगन सिंह की बात सुनकर हक्की पक्की सी खड़ी रह गई। तब, राजकुमारी माधवी, क्या आप जानती हो कि आपके और हमारे पिता के बीच पुरखों से शत्रुता क्यों चली आ रही है? नहीं तो सुनो, बहुत वर्षों पहले तुम्हारे खानदान के कोई पूर्वज हमारे किसी पूर्वज के पास हमारे खानदान के किसी राजकुमारी के साथ तुम्हारे खानदान के किसी युवराज का विवाह का प्रस्ताव लेकर दीपनगर आए थे। उनके प्रस्ताव को हमारे पूर्वज ने स्वीकार नहीं किया और झिड़क कर उन्हें दीपनगर से चले जाने को कहा। अतः अपमान की ज्वाला में तपते हुए तुम्हारे पूर्वज वापस अजीतगढ़ चले गए। बस वह दिन और आज का दिन, तभी से दीपनगर और अजीतगढ़ के बीच रोटी बेटी का रिश्ता पूरी तरह समाप्त हो गया। बीच में खड़ी हो गई दुश्मनी की ऊंची ऊंची दीवारें। ओह, तो यह कारण है दोनों राज्यों की आपसी शत्रुता का? हाँ राजकुमारी माधवी, मैं सच कह रहा हूँ। तुमसे विवाह करके मैं दुश्मनी की उस दीवार को गिराना चाहता हूँ। बोलो, क्या इस कार्य में तुम मेरा साथ दोगी? यह सुनकर माधवी सोच में पड़ गई। युवराज मगन सिंह सुदर्शन पुरुष हैं, ऐसे युवक से विवाह करना मेरा सौभाग्य ही होगा। और फिर इस विवाह से यदि दो राज्यों का पुनः मिलाप होता हो तो क्या बुराई है? यह सोचकर, युवराज मगन सिंह, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको मेरे पिताजी महाराज के पास जाकर स्वयं मेरा हाथ मांगना होगा। मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ राजकुमारी माधवी। युवराज, मैंने सुना है कि आप अपने वचन के बहुत पक्के हैं, बाद में कहीं अपने दिए वचन से फिर तो नहीं जाएंगे? माधवी, मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही मैं अजीतगढ़ आकर तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा और उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मैं उस दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगी युवराज, मेरे दिए वचन पर भरोसा रखो राजकुमारी। तब दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने राज्य वापस चले गए। दीपनगर पहुंचकर
युवराज, आपको महाराज ने याद किया है? तुम चलो, हम शीघ्र ही महाराज के पास पहुंचते हैं। कुछ देर बाद मगन सिंह राजा जगन सिंह के सामने था। आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे कैसे याद किया? युवराज, अब तुम युवा हो गए हो, अतः हम चाहते हैं कि तुम्हें विवाह के बंधन में बांध दिया जाए। पिताजी महाराज, हमने अपनी पत्नी का चुनाव कर लिया है। कौन है वह? पिताजी महाराज, वह अजीतगढ़ के राजा अजीत सिंह की पुत्री माधवी है। हम उसी से विवाह करेंगे। हम माधवी को इस बात का वचन भी दे आए हैं। क्या अजीतगढ़ के राजा के साथ? तो हमारा परसों से बैर चला आ रहा है। क्या तुम बैरी की पुत्री के साथ विवाह करोगे युवराज? राजकुमारी माधवी की तुमसे कहाँ मुलाकात हुई? तब मगन सिंह ने अपनी और माधवी की मुलाकात के बारे में पिता को बताया। सारी बात जानकर युवराज मगन सिंह, माधवी का पिता अजीत सिंह हमारा शत्रु है। वह कभी भी अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो विवाह की बात पर हमारे और अजीत सिंह के बीच युद्ध छिड़ जाए। पिताजी महाराज, मैं आपके सम्मान की रक्षा करना भली प्रकार से जानता हूँ। मेरे कारण आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। ओ युवराज, यह तो तुमने हमें बड़ी उलझन में डाल दिया है, कहकर राजा जगन सिंह सोच में पड़ गए। कुछ देर सोच विचार करने के पश्चात, युवराज, बहुत मनन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि राजकुमारी माधवी और तुम्हारा संबंध किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। अतः हमारा आदेश है कि आज के बाद ना तो तुम माधवी से मिलोगे और ना इस विषय में कभी सोचोगे। पिताजी महाराज, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, लेकिन मैं माधवी को वचन देकर आया हूँ कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता के पास स्वयं आऊँगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने वचन का कितना पक्का हूँ। इतना कहकर मगन सिंह तेजी से कक्ष से निकल गया। अब युवराज मगन सिंह उदास सा अपने कक्ष में ही पड़ा रहता, न कहीं आता न कहीं जाता। जगन सिंह के आदेश का वह मन मारकर पालन कर रहा था। जब उस दिन न रहा गया तो उसने अपने एक विश्वसनीय गुप्तचर को अजीतगढ़ की सूचना लाने के लिए अजीतगढ़ भेजा। गुप्तचर ने वापस लौटकर उसे सूचना दी। युवराज, सूचना अच्छी नहीं है। राजा अजीत सिंह राजकुमारी माधवी के लिए स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। क्या? युवराज, आप शीघ्र ही राजा अजीत सिंह से मिलिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो गुप्तचर, हम शीघ्र ही अजीतगढ़ जाएंगे और इस बारे में राजा अजीत सिंह से बात करेंगे। दूसरी ओर राजकुमारी माधवी अजीतगढ़ में सोच रही थी। इतने दिन हो गए, युवराज मगन सिंह वचन देकर भी पिताजी महाराज से मिलने क्यों नहीं आए? क्या वे अपने वचन को झूठा करेंगे? अगर युवराज ना आए तो क्या होगा? यह सोचकर माधवी उदास हो उठी। इधर अर्धरात्रि होने पर युवराज मगन सिंह अपने कक्ष से निकला और अपने घोड़े पर चढ़कर अजीतगढ़ की ओर चल पड़ा। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा करना, मैं आपके आदेश की अवहेलना करके अजीतगढ़ जा रहा हूँ। सुबह होते होते वह अजीतगढ़ जा पहुँचा। राजा अजीत सिंह से जाकर कहो कि दीपनगर के युवराज मगन सिंह उनसे मिलना चाहते हैं। जब सेवक ने राजमहल में जाकर यह सूचना राजा अजीत सिंह को दी, दीपनगर का युवराज हमसे मिलना चाहता है, लेकिन वह हमारे पास क्यों आया है? क्या वह नहीं जानता कि दीपनगर और अजीतगढ़ में आपस में शत्रुता है? फिर उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? अजीत सिंह सोच में पड़ गया। जब काफी सोच विचार करने के पश्चात भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो, पहरेदार, तुम आदर सहित युवराज मगन सिंह को हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद मगन सिंह अजीत सिंह के सामने था। कहो युवराज, आज शत्रु के देश में आप कैसे आए हैं? महाराज, मैंने सुना है आप राजकुमारी माधवी के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। यह सुनकर अजीत सिंह के माथे पर पल पड़ गए। आपने सही सुना है युवराज, लेकिन राजकुमारी माधवी के स्वयंवर से आपका क्या मतलब है? महाराज, मैं राजकुमारी माधवी से विवाह करना चाहता हूँ। आपको उनके लिए स्वयंवर करके वर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर, ओह, तो इसका यहाँ आने का यह प्रयोजन है। यह हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इस विवाह के लिए हम इसके सामने ऐसी मुश्किल शर्त रखते हैं जिसे पूरी करने में ही इसकी मृत्यु हो जाए और यह राजकुमारी माधवी के साथ विवाह करने की बात भूल जाए। युवराज, मैं तो स्वयंवर के द्वारा राजकुमारी माधवी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी एक समस्या का हल कर दो तो मैं सहर्ष ही राजकुमारी माधवी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। आपकी क्या समस्या है महाराज? तो सुनो, मेरुदंड पर्वत पर मुंजाल नाम का एक भयंकर दैत्य रहता है।
वह प्रतिदिन हमारे राज्य के एक नागरिक को पकड़कर ले जाता है और उसको मारकर खा जाता है। उसके इस कुकृत्य से हमारी प्रजा में दहशत फैली हुई है। यदि मेरुदंड पर्वत पर जाकर तुम मुंजाल दैत्य को मार दो तो हम सहर्षि राजकुमारी माधवी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। महाराज, आप चिंता न करें, मैं भरे दरबार में मुंजाल दैत्य को मारने की शपथ लेता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको भी कसम उठानी होगी कि मुंजाल दैत्य की मृत्यु के पश्चात आप राजकुमारी माधवी का विवाह हमसे कर देंगे। यह सुनकर मैं इस बात की भरे दरबार में शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी बात पर दृढ़ रहूँगा। बस महाराज, अब मुंजाल दैत्य को मारने का जिम्मा हमारा रहा। अब वह आपके राज्य के किसी भी नागरिक को उठाकर नहीं ले जाएगा। अब हम उसे मारने के पश्चात ही आपके पास आएंगे, कहकर मगन सिंह दरबार से निकल गया। दूसरी ओर राज दरबार में राजा अजीत सिंह का पंखा झलने वाली दासी दरबार समाप्त होने पर भागी भागी राजकुमारी माधवी के पास पहुंची। राजकुमारी जी, कुछ सुना आपने? क्या बात है, तो इतनी उतावली सी क्यों है? राजकुमारी जी, बात ही ऐसी है, सुनोगी तो आप भी उतावली हो उठोगी। आप कुछ कहेगी भी या यूं ही भूमिका बांधती रहेगी? राजकुमारी जी, आज दरबार में दीपनगर के युवराज मगन सिंह आए थे। उन्होंने भरे दरबार में महाराज के सामने आपके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। क्या सच? तब पिताजी महाराज ने उनकी बात का क्या जवाब दिया? महाराज ने युवराज मगन सिंह से कहा कि यदि वह मेरुदंड पर्वत पर रहने वाले मुंजाल दैत्य को मार दें तो वे सहर्षि अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देंगे। ओह, मुंजाल दैत्य तो नरभक्षी है। लेकिन राजकुमारी जी, युवराज मगन सिंह ने तो महाराज की बात मान ली है और वे मुंजाल दैत्य को मारने के लिए मेरुदंड पर्वत की ओर चले गए हैं। हे मेरे भगवान, पिताजी महाराज को यह क्या सूझी? उन्होंने युवराज मगन सिंह के सामने ऐसी कठोर शर्त क्यों रख दी? माधवी चिंता में डूब गई। वह मन ही मन मगन सिंह से क्षमा मांगने लगी। युवराज, मुझे क्षमा कर देना, आप तो सचमुच ही अपने वचन के पक्के निकले। मैं तो आपके बारे में क्या अनर्गल बातें सोच रही थी, आप वास्तव में अपनी बात के धनी हैं। वह शैया से उठकर शीघ्र ही देव प्रतिमा के सम्मुख पहुंची। देव, युवराज मगन सिंह की रक्षा करना, मुंजाल दैत्य उनका बाल भी बांका ना कर सके। इधर राजा अजीत सिंह अपनी चाल पर मन ही मन खुश हो रहा था। वाह, क्या चाल चली है मैंने! मुंजाल दैत्य के आतंक का झूठा नाटक रचकर मैंने युवराज मगन सिंह को नरभक्षी मुंजाल राक्षस के पास भेज दिया है। मुंजाल के पास आज तक जो भी गया है जीवित नहीं लौटा है, अतः वह मगन सिंह को भी मारकर खा जाएगा। इस प्रकार शत्रु का बेटा स्वयं ही हमारी बेटी की राह से हट जाएगा। उधर युवराज मगन सिंह का घोड़ा विद्युत गति से मेरुदंड पर्वत की ओर दौड़ा जा रहा था। फिर जैसे ही उसके घोड़े ने घनघोर वन में प्रवेश किया, जरा रुक जाओ बेटा और मुझ दुखियारे की प्रार्थना सुनते जाओ, बूढ़े की आवाज़ सुनकर मगन सिंह ने घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़ा तत्काल ही रुक गया। मगन सिंह वापस पलटकर उस बूढ़े के पास आया। क्या बात है बाबा, आपने मुझे क्यों पुकारा था? बेटा, मेरे घाव पर मक्खियाँ बैठ बैठ कर मुझे पीड़ा पहुँचा रही हैं। मेरे इस लोटे में मेरी दवा रखी है, कृपा करके तुम मेरे घावों पर दवा लगा दो ताकि मुझे चैन मिल सके। सुनकर मगन सिंह ने बूढ़े के पास रखा लोटा उठाया और उसमें रखी दवा उसके घावों पर लगाने लगा। आ बेटा, दवा धीरे धीरे लगाओ, जख्मों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बाबा। जैसे ही वह बूढ़े के घावों पर दवा लगा कर चुका, ओह, यह क्या, एकाएक ही सारे में यह प्रकाशमान धुआं सा क्यों फैल गया है? यह क्या माया है? जब धुआं छटा, आप कौन है? कुछ देर पहले यहाँ जो कोड़ी बैठा था वह कहाँ गया? बेटा, मैं ही वह बूढ़ा कोड़ी हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैं कोड़ी बना था। लेकिन आप हैं कौन महानुभाव? बेटा, मैं धर्म हूँ। कोड़ के रिश्ते हुए घावों को देखकर भी तुमने नाक भौं नहीं चढ़ाई और घावों पर दवा लगाने को तैयार हो गए। इस प्रकार मेरे घावों पर दवा लगाकर तुमने मनुष्य होने के सच्चे धर्म का पालन किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो, यह तलवार लो, मुंजाल दैत्य को घायल करने में यह तुम्हारी सहायता करेगी। ओह, तो आप जानते हैं कि मैं मुंजाल दैत्य को मारने जा रहा हूँ, कहकर मगन सिंह ने धर्म से तलवार ले ली और उसे प्रणाम करके वहाँ से चल दिया। चलते चलते जब उसका घोड़ा एक झोपड़ी के पास से गुजरा, बेटा रुक जाओ, जरा झोपड़ी में आकर मेरी बात सुनते जाओ। आवाज़ सुनकर मगन सिंह ने अपना घोड़ा रोक दिया
और घोड़े से उतरकर झोपड़ी के द्वार पर आया। कौन है झोपड़ी में? हमें किसने पुकारा था? बेटा, झोपड़ी के अंदर चले आओ, मैं बहुत बूढ़ी हूँ इसलिए मुझसे चला फिरा नहीं जाता। सुनकर वह झोपड़ी में पहुँचा। अब बताओ माँ, तुम्हें क्या कष्ट है? तुमने मुझे क्यों आवाज़ दी थी? बेटा, मैं कई दिन से प्यासी हूँ, पानी न मिलने के कारण मेरा गला सूखा जा रहा है, मैं चलने फिरने से लाचार हूँ। यहाँ से कई कोस दूर दक्षिण दिशा में पानी का झरना है, क्या तुम वहाँ से मेरे लिए पीने का पानी ला सकते हो? क्यों नहीं माँ, आप बेफिक्र रहें, मैं आपके लिए अभी पानी लेने जाता हूँ, कहकर मगन सिंह ने लोटा उठाया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। अब उसका घोड़ा पानी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर दौड़ रहा था। झरने पर पहुंचकर उसने लोटी में पानी भरा और पानी लेकर वापस झोपड़ी की ओर लौट चला। झोपड़ी में पहुंचकर, लो माँ, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। जुग जुग जियो बेटा, दूर से पानी लाकर तूने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मगन सिंह से पानी का लोटा लेकर उसने पानी पिया। बहुत प्यासी है। जैसे ही पानी पीकर बुढ़िया ने खाली लोटा नीचे रखा। ओह, यह क्या हुआ? अचानक ही सारी झोपड़ी में धुआं कहाँ से भर गया? कुछ देर बाद जब झोपड़ी में फैला हुआ धुआं छटा, मगन सिंह, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आप कौन हैं और बूढ़ी माँ कहाँ गई? बेटा, मैं मानवता की देवी हूँ, मैंने बुढ़िया का वेश धरकर तुम्हारी मानवता की परीक्षा दी थी। मैं जानती हूँ कि तुम एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे हो। तुम्हारे लिए एक एक पल कीमती है, फिर भी अपने अमूल्य समय का तनिक भी ध्यान न करके तुम कोसों दूर गए और मेरे लिए पानी लाए। तुम्हारे स्थान पर यदि कोई और होता तो मेरी बात अनसुनी करके आगे बढ़ जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मानवता का पालन किया। मानवता की देवी, आपको मेरा प्रणाम है। सुनकर मानवता की देवी ने हवा में हाथ लहराया, तत्काल ही उसके हाथ में एक शीशा आ गया। वह उस शीशे को मगन सिंह को देती हुई बोली, मगन सिंह, मुंजाल दैत्य जब तुम्हारी तलवार के वारों से अच्छी प्रकार घायल हो जाए तो तुम इस शीशे से कहना, आईने, मुंजाल दैत्य को मार। तुम्हारे ऐसा कहते ही आईने में से एक विशाल काय रीछ बाहर निकलकर कूदेगा। वह रीछ मुंजाल दैत्य को मौत के घाट उतार देगा। मगन सिंह ने मानवता की देवी से जादुई आईना ले लिया। तब देवी को प्रणाम करके वह पुनः आगे चल पड़ा। चलते चलते वह मेरुदंड पर्वत के सम्मुख जा पहुँचा। यही है मेरुदंड पर्वत जिस पर नरभक्षी मुंजाल दैत्य वास करता है। अपने घोड़े को नीचे ही छोड़कर मुझे पर्वत पर चढ़ाई करनी चाहिए। अतः मगन सिंह ने पास ही के पेड़ से अपना घोड़ा बांध दिया और पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ किया। बहुत मुश्किल से उसने पर्वत की चढ़ाई पूरी की। ऊपर पहुंचकर, ओह, गुफा के बाहर कितने नर कंकाल पड़े हुए हैं। लगता है ये नर कंकाल मुंजाल दैत्य के हाथों मारे गए अभागे मनुष्य के हैं। तब मगन सिंह ने आगे बढ़कर गुफा में झांका। गुफा तो खाली पड़ी है, लगता है मुंजाल दैत्य शिकार की खोज में गया हुआ है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।